देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं हूं आपके साथ श्रीजा। आइए डालते हैं नजर दिन भर की तमाम हेडलाइंस। हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला में जनता दरबार लगाकर सुनी लोगों की फरियादें। इसी बीच विलंबित पड़ी शिकायतों को लेकर भड़की SHO और नायब तहसीलदार को लगाई फटकार। सोंदापुर के मृतक नवीन ने घर वालों को फैक्ट्री में काम करने की कही थी बात, लेकिन कर रहा था किन्नरों के पास ड्राइवर की नौकरी। परिजनों के आरोप, बेटे की गई थी हत्या, शव को पंदे से उतारने से पहले देनी थी सूचना। पानीपत में पुलिस अधिकारियों द्वारा साउंड निकालने वाले बुलेट को इम्पाउंड करने का अभियान लगातार जारी। सामने आया एक और मामला, बुलेट चालक ने कहा दवाई लेने जा रहा था, रास्ते में अधिकारियों ने काटा 20,000 का चालान। पानीपत के बलाना गांव के बिजली विभाग के जेई का पैसे मांगने का ऑडियो लेकर मीडिया के पास पहुंचे ग्रामीण। ग्रामीणों की शिकायत, बिजली चुराने का झूठा आरोप लगाकर रखी 50,000 रुपए की मांग। DAV पुलिस पब्लिक स्कूल में हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में धूमधाम से मनाया गया हिंदी सप्ताह का समापन समारोह। प्रधानाचार्य अनुपमा सिन्हा ने सभी को हिंदी दिवस की बधाई देकर प्रतिभागियों की करी हौसला अफजाई। ADGP श्रीकांत यादव के दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का किया गया आयोजित। हरियाणा के झज्जर जिले के गावडीगल में 20 वर्षीय युवक रौनक अहलावत की नशे के ओवरडोज में हुई मौत। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद सौंपा परिजनों के हवाले। इस अंक में अभी तक के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए सिटी तहलका। नमस्कार। किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।